बिच्छू नटखट तोते तुम बहुत शरारत कर रहे हो, बस यही रहो, अब एक शब्द भी नहीं, नहीं तो तुम्हें सीधे घर भेज देंगे। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? और सब जहाँ देख रहे हैं, जल्दी कर। बच्ची की तबीयत तो बेहद खराब, समझते ही नहीं। चुप मिठू। आओ सबीना, खेल दिखाते हैं। कद्रदान मेहरबान, अब मेरी भतीजी तनी हुई रस्सी पर अनोखे करतब दिखाएगी। जोरदार तालियां। और अब सबीना दिखाएगी एक सबीना पीछे हटिए, आप सब पीछे हटिए। थामा मेरी, ऐसी हालत में हमने करवाया ही क्यों? इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, घोड़ा गाड़ी लाओ जल्दी से। खुश मीना कहाँ गई? अरे मेरे लिए तो रुको। ये क्या है? क्या है ये? जल्दी चलो, डॉक्टर गांव से बहुत जल्दी चली जाती हैं। मीना, हम इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। उफ, ये बच्चे भी। और हमने डॉक्टर के जाने से पहले पहुंचने की कोशिश की। मिट्टू के पीछे चलो। ठहरो, मैं कहता हूँ ठहरो, मेरा हुक्म है। तुम लोग इसे कहाँ ले जा रहे हो? बस बहुत हो गया, अब से हम ही फैसला करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है, आप नहीं। अरे ये तो मीना का तोता है, ये क्या कह रहा है? डॉक्टर जी, देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। ठहरो, देखें ये कौन है। अच्छा हुआ मोच ही आई है, हड्डी नहीं टूटी, पर आराम की बहुत जरूरत है, बुखार की दवाई भी। लड़कियों की भी देखभाल। डॉक्टर साहब, मेरा नाक बीमार हो गया है, कुछ कीजिए। मीना, कितनी समझदार हो तुम। नहीं, समझदार तो मिट्टू है। और फिर कमाल ने अपने पिता के कान में कुछ कहा। हे, ये हुई ना बात, जब पाशा और सबीना ठीक हो जाएंगे तब हम ऐसा ही करेंगे। और जब सबीना और पाशा अच्छे हो गए तब उनका पूरा परिवार हमारे स्कूल आया। मजा आया, और उनकी माता पिता ने कहा कि अब सबीना और पाशा भी स्कूल जाएंगे। मजा आया ना मिट्टू? हाँ, लड़कियों की भी देखभाल।